हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टार्ट एंड वर्ड पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रोसरी वेबसाइट बनाने में कितना खर्चा आता है। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2-3 दिन से मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, तो दोस्तों इसलिए मैं सोचा कि आपको मैं एक आपके बजट में कि आपको अगर वेबसाइट बनाने का मन है, ग्रोसरी एप्लीकेशन वेबसाइट बनाने का मन है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। दोस्तों देखिए, इसमें दो चीज़ काफ़ी प्रॉफिट की हो सकती है। वन थिंग ये है कि दोस्तों ये वेबसाइट के बारे में आपको जो मैं डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ, तो उसमें ये रहेगा कि आपको ये ज़्यादा वेबसाइट ज़्यादा महंगा भी नहीं आएगा और इसका जो डिज़ाइन है आपको काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आएगी। और सेकंड चीज़ दोस्तों, आपको प्रॉफिट में ये आ सकता है कि आपको पता ही होगा मेरे चैनल पे मैंने काफ़ी दिनों पहले एक अनाउंसमेंट किया था कि वेबसाइट प्लस एप्लीकेशन बनाने में कितना खर्चा आता है। दोस्तों तो यही बात है, अगर आप वेबसाइट बनाएं या एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपको दोनों चाहिए, अगर मान लीजिए आपने वेबसाइट भी बनाया है या आपने एप्लीकेशन ही बनाया है, अगर आपके एप्लीकेशन का एडमिन प्लान अलग आता है और आपके वेबसाइट का एडमिन प्लान अलग आता है, लेकिन दोस्तों आपको वेबसाइट प्लस एप्लीकेशन चाहिए, मान लीजिए आपने एप्लीकेशन बना लिया है, उसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं वन टाइम पर ही अगर प्रोडक्ट ऐड करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिक डाटा फेच होना चाहिए आपके वेबसाइट से, आप कोई भी अगर प्रोडक्ट को डाल रहे हैं अपने एप्लीकेशन के एडमिन पैनल में, तो वो डाटा ऑटोमेटिकली फेज हो जा रहा है आपके वेबसाइट पे, तो ये दोस्तों आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको नहीं चाहिए कि नहीं मुझे अलग उसका एडमिन पैनल चाहिए, मुझे इसका एडमिन अलग चाहिए, दोस्तों वो भी हो सकता है, लेकिन मेरा बस इन्फॉर्मेशन देने का था दोस्तों, इसलिए मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दी। चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधा लाइव दिखाता हूँ, अगर किसी को भी ग्रोसरी एप्लीकेशन बनाना हो या वेबसाइट बनानी हो, मैं आपको प्राइस लास्ट में बताऊँगा, उसके फंक्शन के बारे में चलिए दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है fatherforms.com, ये हमें हमारे क्लाइंट को दिया था जिनका मल्टी वेंडर एप्लीकेशन था, लेकिन दोस्तों इस फॉर्मेट को आप अपने सिंगल वेंडर एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको इसका डिज़ाइन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम इसे फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप इसका डिज़ाइन देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे तीन बटन दिया गया है, यहाँ पे हेलो साइन इन, अगर साइन इन करने के दोस्तों आपको वहाँ पे नाम आ जाएगा, ये आपका अकाउंट है, ये आपको होम पेज का बटन है। सो कट करता हूँ, उसके बाद दोस्तों ये आपको लोगो हो गया, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको जिस चीज़ की नीड रहेगी और जो आप सर्च करेंगे वहाँ पर सर्च करेंगे ऑटोमेटिक वो आपको फर्स्ट पेज पर देखने को मिल जाएगा। और ये दोस्तों रहा सर्च का बटन, यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं दोस्तों, ब्लू है और काफ़ी ग्रीन है, तो आप चाहे तो उसे चेंज भी करवा सकते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे, आप ऊपर राइट साइड में देख रहे हैं, ये देखिए एरो पे, यहाँ पे लॉगिन का स्क्रीन है, उसके बाद आप किसी भी प्रोडक्ट को जब बाय करने जाते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन है, कार्ट में आ जाएगा, और आपने मतलब कितने रुपीज़ का आइटम बाय किया है, मतलब मान लीजिए आपने आलू लिया है 20 रुपये का या 30 रुपये का, दोस्तों आपको यहाँ प्राइस शो कर देगी। और दोस्तों ये लैंग्वेज है आपका, आपको कौन सी लैंग्वेज में ये वेबसाइट कम्फर्ट है, या आपके यूज़र्स भी अगर इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं उनको जो भी लैंग्वेज कम्फर्ट रहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपर साइड का पूरा इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको दे दिया है। अब इसको मैं आपको जरा ओपन करके ऐसे दिखाता हूँ, इसके अंदर फंक्शन कैसे वर्क करेगा। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ तक आपको बता दिया सर्च के बारे में, सर्च करेंगे सर्च में आ जाएगा। आप यहाँ पे दोस्तों लॉगिन का बटन है, मैं आपको लॉगिन पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ। लॉगिन पे क्लिक किया दोस्तों, सिंपल सा आपको पता ही होगा कि साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन खुलता है, सबसे पहले आपको साइन अप ही करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। साइन अप पे देखिए दोस्तों हमने क्या क्या यहाँ पे फंक्शन डाल कर रखे, नेम, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, स्टेट आपकी जो भी स्टेट रहेगी जो आपके सेलेक्ट करके रखा होगा, सिटी, सब एरिया, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, लैंडमार्क, पिन कोड या पासवर्ड, ये तो सबको पता है कि बेसिक हर जगह पे आपको मिल जाता है, चाहे वो अमेज़न हो या दूसरी वेबसाइट हो, वो तो काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट हो जाती है, लेकिन आप बेसिक वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपने साइनअप कर लिया, साइनअप करने के बाद आपको जो भी यहाँ पे अपने मेल आईडी और पासवर्ड डाला होगा दोस्तों, यहाँ पे मेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे साइन इन हो जाएगा। ये हो गया आपका साइन इन का लॉगिन का स्क्रीन। अब दोस्तों मैं आपको होम पेज वापस लेके जाता हूँ। होम पेज पे आने के बाद ये देखिए कार्ट है, जब हम कोई चीज़ को बाय करके दिखाऊंगा तो दोस्तों आपको दिखाऊंगा यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेट का, तो उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे प्राइस हो गया, यहाँ पे ऑल कैटेगरी ये दिख रहा है, होम पेज पे आपको तीन बटन दिख रहे हैं, होम, वेजिटेबल एंड फ्रूट,
तो इस पर मैं आपको बाद में क्लिक करके दिखाता हूँ, पहले हम यहाँ बात करते हैं। ऑल कैटेगरीज को मैं बटन दिख गया है वेजिटेबल पर, यहाँ पे कैटेगरीज है जो आपको एडिट पैनल दिया जाएगा, उसमें अगर कैटेगरी आप ऐड करते हैं दोस्तों, आपको वहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे सारी लिस्ट आपको आ जाएगी जो भी आप कैटेगरी बनाते हैं। ओके तो उसके नीचे का देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका स्लाइडर हो जाएगा। मान लीजिए आपने अपने वेबसाइट पे कोई ऑफर डाला है या कोई परसेंटेज वाइज बेच रहे हैं, कोई ऑफर डाले 50% सेल है आज के दिन, मंडे टू सैटरडे सेल रहेगा या नेक्स्ट वीक सेल आने वाला है, तो ये दोस्तों आप बैनर बना के अपने एप्लीकेशन वेबसाइट का लोगो या एप्लीकेशन का लोगो बना के अच्छे से डिज़ाइन करके यहाँ पर डाल सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर स्क्रॉल ये होते रहते हैं, ये आपका स्लाइडर हो गया। उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो शॉप बाय कैटेगरी, मतलब आपने जितनी भी कैटेगरी बनाएगी वो यहाँ से स्क्रॉल आपको दोस्तों दिखने मिल जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे स्लाइडर डाला गया है। अगर हम मान लीजिए फ्रूट पे ही क्लिक करके देखते हैं, फ्रूट पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारे के फ्रूट्स दोस्तों देख रहे हैं, काफ़ी ही सुंदर से सजाया गया है इस वेबसाइट को। ये हमारे क्लाइंट का ही उन्हें ही डाला है जो पुणे के ही रहने वाले हैं। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे एप्पल पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे एप्पल रॉयल दिखा रहा है, यहाँ पे 50% ऑफ है। क्लिक करने पर देखिएगा दोस्तों कैसे पॉपअप आता है और ये कार्ट का ऑप्शन ये लाइक का है। एप्पल पर अगर दोस्तों मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो ये दोस्तों देखिए ये आपका एप्पल सब खुल जाएगा, 50% ऑफ है एप्पल। आपका जो प्राइस था 76 रुपीज़ का मिल रहा है, 80 रुपीज़ का था, आपको यहाँ पे सेविंग हो जाती है। अवेलेबल देखिए अवेलेबिलिटी इन स्टॉक है, वेट यहाँ पे कितना दिखा रहा है प्राइस दोस्तों, अगर यहाँ पे दिखा रहा है इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड हो गया है। उसके नीचे उसके जो रिलेटिव के जो प्रोडक्ट रहेंगे वो देखिए यहाँ पे आपको वहाँ पे शो करते रहेंगे। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कार्ट पे क्लिक करके। देखिए दोस्तों अगर आप कोई भी चीज़ को बाय करते हैं उसके बाद कार्ट का दोस्तों ऑप्शन ऐसे खुलता है, अगर आपके पास डिस्काउंट कूपन है तो यहाँ पे डिस्काउंट कूपन भी डाल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्राइस लेस होकर मिल जाएगी। अगर आपको जिस क्वांटिटी नहीं चाहिए यहाँ से कट का ऑप्शन है, कट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस टू चेकआउट, तो यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने लॉगिन नहीं किया था इसलिए मुझे साइन अप के पेज पे ले गया। अगर लॉगिन किया रहेगा तो दोस्तों आपको पता ही होगा अमेजोन या कोई फ्लिपकार्ट हो गया, बिग बास्केट हो गया, उनका जो सिस्टम रहता है कैशफ्री का भी डाल सकते हैं, रोजर पे का भी डाल सकते हैं, जो भी पेमेंट गेटवे यूज़ करना चाहेंगे वो यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट पर क्लिक करके दिखा दिया। अगर और हम नीचे आके बात करते हैं, ये देखिए फीचर्स प्रोडक्ट ऑल वेजिटेबल फ्रूट्स, देखिए कैसे खोल रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पे ऑल पे क्लिक किया, ये ऑल के ऑल आ जाएंगे। ये देखिए सारे के सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो करने को मिल जा रहे हैं। जो भी आपको दोस्तों पसंद आ रहा है उसे यहाँ पे देख सकते हैं जाके, अगर बाय करने की इच्छा है तो आप उसे बाय भी कर सकते हैं। ये देखिए और यहाँ पे 1 2 3 4 आप एक कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं उससे कम से कम 4 फोटो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो प्राइस आपको, पहले एक प्राइस दिख रही थी प्राइस 1 एंड प्राइस 2, यहाँ पे के जी वाइज है, देखिए 50 ग्राम 500 ग्राम और यहाँ पे 1 kg, आधे किलो 1 kg है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये सब आप डाल सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, रिव्यू डाल सकते हैं, अगर हमें कोई कमेंट करेगा तो वो भी आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों आपके इसके जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो यहाँ पे कोई भी कस्टमर यहाँ से कलेक्ट कर लेगा, और जो उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट रहेंगे वो उसके नीचे ही शो करेगा। अगर आप कोई भी लॉगिन करते हैं तो आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आई डी, उसके नीचे देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर क्लिक करेंगे सीधा, वो सीधा आपके लिंक पर जाकर आपको फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों सेम यही है, देखिए जो आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया था, बैनर हो गया, शॉप बाय कैटेगरी, स्लाइडर होता रहेगा ऑटोमेटिक, फीचर प्रोडक्ट, इसका डिज़ाइन भी आप चेंज करवा सकते हैं कि हमारे क्लाइंट को ये डिज़ाइन पसंद आया था। ग्रोसरी का दोस्तों यही है, काफ़ी बेस्ट है और रनिंग में भी है। ये देखिए उसके नीचे हम टॉप डील्स की बात करेंगे, जो टॉप डील्स जो परसेंट, मतलब आपको सस्ते में जो बेचना चाहते हैं 50% ऑफ 60% ऑफ यहाँ पर सेल लगा सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए जो बीच बीच में कभी ऐड आते हैं या ऑफर डालना चाहते हैं, ये इतना स्क्रीन बना के दिया गया है, आप उसको यहाँ से डाल सकते हैं। उसके नीचे अगर हम बात करेंगे, ये देखिए लेटेस्ट प्रोडक्ट, टॉप प्रोडक्ट्स, मोस्ट ऑर्डर प्रोडक्ट, यहाँ पे सब दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक सब चेंज होता रहेगा, आपको करने की कोई भी कुछ भी जरूरत नहीं। अगर आपको देखना है तो क्लिक करके उसके अंदर जाके उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे बाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वेबसाइट बनाना है या बनवाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप हमें फ़ोन कीजिए, इस वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए। और एप्लीकेशन बनवाना होगा तो दोस्तों एप्लीकेशन भी बनवा सकते हैं, एप्लीकेशन भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। और दोस्तों इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है, सिर्फ 20,000 रुपये में दोस्तों आपको ये वेबसाइट डिलीवरी कर दी जाएगी, ज़्यादा दोस्तों इसका कॉस्ट नहीं है। आप एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, इसके UI देखिए कैसे बनाया गया है, दोस्तों आपको काफ़ी पसंद आएगा। ज़्यादा प्राइस नहीं है दोस्तों, ओनली 20,000 में 20,000 रुपीज़ दोस्तों इस वेबसाइट का
प्राइस है। अगर दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन बनाना हो या वेबसाइट दोस्तों आपको जो मैंने अभी दिखाया है लाइव, अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तुरंत फ़ोन कीजिए, इस वेबसाइट का पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और उसके बाद ही बनाइएगा। आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।